Hello everyone, today we are going to study about senses. Do you know about senses? Before knowing about senses, we must know animals have different senses. One, like they can see, hear, taste, smell and feel. Two, some animals can see their prey from far away. Three, some animals can hear the faintest sound. 4. Some animals can find their friends by their smell. Now, has this ever happened to you? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ग्राउंड में रोटी खा रहे हो और आपके हाथ से ईगल जो है रोटी का टुकड़ा ले गया हो, या फिर कभी आप ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे, और सोए हुए कुत्ते ने अपना कान को फड़फड़ा दिया हो? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? और या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपसे कोई रोटी का टुकड़ा जो है गिर गया है और कुछ ही समय के पश्चात वहाँ पर कुछ चींटियाँ आ गई हैं, है ना? ऐसा कभी हुआ है? तो आइए हम देखते हैं। जो मैंने ये ग्रीन किया हुआ है, ये आपको सबको पढ़ लेना है। व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ये दिस यू हैव टू रीड दिस वन। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। दे कैन see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friend by their smell. The animal's world is full of examples of amazing senses. ये आपको याद रखना है। Next आपका आता है, how did the recognize a friend? How did the ant recognize a friend? एक चींटी अपने दोस्तों को कैसे पता करती है? तो हम ये देखते हैं कैसे पता करती है वो। An ant was going along the ground. It was a group of ants coming from the other side. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. क्या मतलब हुआ इसका? कि कभी आपने ऐसे चींटी को ग्राउंड में ऐसे देखा है कि वो ग्रुप में जा रही हैं, है ना, और कुछ अलग साइड से आ रही हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई चींटी एक होल से आई और उन चींटियों का उसने गार्डिंग की, है ना, उनको गार्डिंग की और वो सारी एक होल में चली जाती हैं। तो अब आपको ये बताना है कि How did the ant know that the other ants were not from its group? उनको कैसे मालूम पड़ा कि वो हमारे ग्रुप में नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वाला यहाँ से, Due to different senses, the ant could know that other ants were not from its group. ये इसका आंसर हो गया। Next आपका आता है, How did the god ant recognize this ant? उसने उसको कैसे पहचाना? तो आंसर हो जाएगा, द गॉड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। वो उसने उसके स्मेल से उसको पहचान लिया। अभी आपको ट्राई करना है, कैसे, क्या क्या ट्राई करना है। ड्रॉप सम सुगर, जेगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। ठीक है ना? तो ये कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। मैंने आपको भर दिया है, ये आपको करना है, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको करके देखना है ये। ओके, तो आंसर ये हो जाएगा, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। आंसर हो गया आपका, आंसर लिखा होगा, वन एंट कम फर्स्ट फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ एंट्स। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? द एंट्स कैरीड द फूड इट्स देयर होल। Where did they go from there? They go to their hole from there. Do they move in a line? Yes, they move in a line. ये आपने सब चीज़ें देखी आपने। इसके बाद आपको
यहाँ पे आना है कि नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विथ अ पेंसिल. नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव. अब आपको पता करना है कि एंट्स कैसे मूवमेंट करती है, तो आप उसको देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्लाइम अप ऑन द पेंसिल. जब हमने उसको रखा, उसको रोका, तो पेंसिल पर चढ़ जाती है और दे स्टिल मूव इन ए लाइन, और इसके बाद ही वो एक लाइन में चलती है. आपको करके देखना है, घर पे भी देख सकते हैं आप करके. नाउ ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ये मैंने लिख रखा है. नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पथ. वो जब आप उनका रास्ता रोक देते हो तो वो कैसा बिहेव करती हैं, आपको देखना है, ठीक है ना. अच्छा, ये आपको ग्रीन ग्रीन जितना किया है आपको पढ़ना है ना. Have you ever been troubled by mosquito? Just think how do they know where you are? वो कैसे पहचान लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं, है ना? और ये आंसर ये है इसका, mosquito can't find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. ठीक है ना, ये देखिए mosquito क्या कह रहा है. I am a silk worm. I can find my female worm from many kilometers away. Why her smell? ठीक है ना, चलिए अब है. How you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Dog's mark. Just give here concentrate. Dogs mark out their own area on the road. They can make out of another dog has come into their area by the very important smell of its urine or potty. Latrine. Don't laugh. Okay, now write. Questioning time. In what ways do human beings make use of this special senses of smell of dogs? Answer is this: for catching criminals, number 2, for detecting stolen goods, or defecting bombs. बम को निष्क्रिय करने में, है ना, चोरों को पकड़ने में और गुमी हुई चीज़ों को पता करने में. ये इनका डॉग जो है ना, उनका सेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना. अब ये अगला है, नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल. तो इसका आंसर हो गया डॉग्स, कैट, बफेलो, काउ, फिश एक्सेट्रा. अब अगला नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक फाइन एंड फाइव थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक. ऐसे जिनको आप पसंद करते हैं और जिनको नहीं करते हैं. तो आई लाइक द स्मेल ऑफ, आप फूड की करते हैं, परफ्यूम की करते हैं, फ्लावर्स की करते हैं, इंसेंस स्टिक्स की करते हैं, और फ्रेश एयर को आपको पसंद करते हैं. देन आप जो पसंद नहीं करते, मरी मछली आया, गार्बेज, ओहो, काउडक, गोबर, स्मेल फ्रॉम यूरिनल, ओहो, और स्टेलियर, ओके, ये सारी चीज़ें. अब डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर. तो ये देखिए, यस आवर आंसर्स आर सेम. आपका और आपके दोस्त का आंसर सही हो सकता है. किस विषय में? इस विषय में कि कौन सी आपको चीज़ें की खुशबू पसंद है और किन की खुशबू पसंद नहीं है. इसमें आपके आंसर जो है ना, ये सिमिलर हो सकता है. चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, डू एंड फाइंड आउट वाई सो, ठीक है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टुडे रागिनी हैड टू गो टू आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क. सी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला. सुशीला ऑल्सो हैज़ ए बेबी ऑफ द सेम एज.
It was funny that both the baby did potty at the same time. She happily cleaned her daughter's, but when she was cleaning her sister Sandeepak's, she covered her nose with her dupatta or scarf. ऐसा होता है ना? अब आपको डिस्कस करना है कि भाई जो सुशीला जो थी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुशीला कवर्ड हर फेस नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी व्हाट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर्स व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस. आप ऐसा कब सोचते हो कि ऐसा होता है? तो ये हम देखते हैं. तो इसका आंसर जो होगा, सुशीला ने ऐसा कवर्ड क्यों किया? तो इसका आंसर होगा कि When we feel something is dirty, we find it smell bad. In case of Sushila, she thought Deepak's nappy to be dirty, so she had to cover her nose. ये इसका आंसर हो गया. Next है, How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. So, we feel bad when we walk near a heap of garbage. Children who spend the whole day picking things from such garbage become used to the smell. Their minds do not get offended by the smell. ओके, ये हो गया. अब है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर स्मेल, बट सम स्मेल्स कैन अवे बी बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. ये आंसर हो जाएगा इसका. नाउ कम हियर, लेट्स सी. राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स, है ना? तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी आंखें नाक के पास में होती है? तो वो चीज़ क्या है? उल्लू, आउल, है ना? राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आईज ऑन द अदर साइड ऑफ द हेड. वॉट इज द साइज ऑफ देयर आईज एंड कंपेयर्ड ऑफ द साइज ऑफ देयर हेड्स. तो ये होता है पिजन, और आपका हो जाएगा क्रोज और स्पैरोज और ईगल्स. ये हो गया आपका, और ये सब आपको आपको पढ़ना है आपको, है ना? लुकिंग विद द वन ऑफ वन, लुकिंग विथ वन आर बोथ आईज. हाँ, आप ये आ गया है आपका ये. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग नेक? ये हो गया. तो क्या आप अपने दोस्त के ऐसी हरकत देख सकते हैं जो बर्गर गर्दन कैसे कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक. हमारा दोस्त कुछ भी काम कर रहा है अगर पीछे या कहीं है, तो हम हमारी गर्दन को बगैर मोड़े हम नहीं देख सकते कि वह क्या कर रहा है. गर्दन तो मोड़ना ही पड़ेगी, है ना? तो नेक्स्ट है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज ओपन विदाउट मूविंग योर नेक. हाँ, तो जस्ट यू कैन ट्राई व्हाट द डिफरेंस लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, और यू कैन सी अ वाइडर एरिया विद द बोथ आईज एज कंपेयर्ड, है ना? दिस वन, व्हाट वाज द डिफरेंट, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, है ना? क्या हुआ? तो आपके द्वारा आंसर क्या हो सकता है? I can see a wider area with both eyes as compared to with one eyes.
आई कैन सी वेटर विथ माई बोथ आईज ओपन. आप तभी देख सकती हैं जबकि आपकी दोनों आंखें सही से खुली हों. ये आपको पढ़ना है. चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका. ये आपको पढ़ना है. ये अब ये है कि डू एनिमल्स सी कलर. क्या एनिमल्स कलर देख सकते हैं? है ना. एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी. बहुत सारे कलर हम देख सकते हैं लेकिन एनिमल बहुत सारे कलर नहीं देख सकते. है ना. सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स वी विल सीन बाई सम एनिमल्स. है ना. कौन कौन सी चीज़ें वो देख पाते हैं, ये देखिए. कुछ देख पाते हैं, कुछ कुछ नहीं देख पाते हैं, ये इनके बारे में दिया गया है. है ना. तो चलिए नेक्स्ट. शार्प ईयर. किस शार्प ईयर, कान किसके शार्प होते हैं तो देखते हैं हम किसके होते हैं. राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन वी सीन. ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखना है जिनके कान आप देख सकते हैं. ठीक है ना. तो डॉग हुआ, काउ हुई, कैट के देख सकते हैं आप, बफेलो हुआ, रैबिट हुई, एलिफेंट हुआ, लॉयन, जेवरा, जिराफ एंड माउस. है ना. इनके आप कान देख सकते हैं. है ना. और अगला है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. ऐसे जानवरों के नाम बताइए आप जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं. तो किस किस के बड़े होते हैं? एक रैबिट के होते हैं, बफेलो के होते हैं, एलिफेंट के होते हैं, काऊ के होते हैं, डॉग के होते हैं. है ना. जो कि हमारे कान से बड़े होते हैं. तो आंसर लिख सकते हैं आप इसका भी. चलिए अब आपको थिंक. इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग. तो ये ट्राई कर लेना है. जैसा भी है आपको ये पढ़ना है. ठीक है ना. आपको ये लिखा रहना है. ट्राई दिस, ये करना है आपको. नाउ ये वाला करना है आपको. पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग. कैन यू हियर योर ओन वॉइस. है ना. तो आपको टेबल पर रखना है हाथ को और ऐसा करके देखना. ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, आपको करना है. तो इसका आंसर हो जाएगा यू विल बी लिसन. टी दिस हियर इज टी विल बी देयर. यू विल बी लिसन योर ओन वॉइस. तो आप आपकी खुद की आवाज़ को सुनोगे. चलिए फिर देखते हैं. है ना. ये आपने करके देखा है. चलिए अब इसमें आप ये जो देख रहे हैं साउंड सेंड मैसेज. हाई अप ऑन ए ट्री अ लंगूर वॉर्म्स अदर ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. दैट द लंगूर डज दिस बाई मेकिंग अ स्पेशल वार्मिंग कॉल. बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्म अबाउट द डेंजर. है ना. ये आपको पढ़ना है. ये जो ग्रीन ग्रीन में लिखा है ये भी आपको पढ़ना है. ये फिश के बारे में है ना. ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है. ये डॉल्फिन का बता देते हैं. डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि कुछ एनिमल्स की अपनी एक अलग ही स्पेशल लैंग्वेज होती है उनकी खुद की, जिससे वो अपने विचारों को अपनी बातों को समझ सकते हैं. अब ये फिर लिखना है आपको. कैन यू अंडरस्टैंड दैट द साउंड ऑफ सम एनिमल्स. विच एनिमल्स. है ना. तो इसका आंसर जो होगा वो हम देखें. यस आई कैन अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स. आई कैन ईजली टेल द साउंड ऑफ डॉग, कैट, काउ, हॉर्स एटसेट्रा. ओके. नाउ डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. विच वंस. क्या कुछ जानवर आपकी बात को समझ भी सकते हैं? तो आपको मालूम होगा कि अगर आपके घर में कोई पैट एनिमल्स है तो वो आपकी बात को समझ जाता है. या कोई डॉगी होता है उसको आप बोल देते हैं शेरू शेरू, और जो भी आपके डॉग का नाम है या किसी आपके पैट का नाम है जब आप उसको बोलते हैं तो वो आ जाता है. पुचकार के आप बुलाते हो तो वो आ जाता है ना. तो वो आपकी लैंग्वेज को समझता है. चलिए अब से इट इन विथ साउंड्स. ये आपको क्लास में करके देखना है. आप जहाँ भी कर सकते हो, आप कर सकते हो घर पे भी कर सकते हो, जो भी है. ओके.
नाउ कम टू हियर स्लीपिंग साउंड. ये आपको सब पढ़ना है, आपको मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ आपके लिए. देखिए, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैनॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस. वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन. जब आपने नोटिस किया होगा कि ठंड के दिनों में जो है छिपकली हमको दिखाई नहीं देती, कहाँ चली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा येस आई हैव नोटिस दैट लिजर्ड कैनॉट बी सीन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन. आई थिंक दे मस्ट बी हाइडिंग समवेयर टू एस्केप फ्रॉम द कोल्ड. वो ठंड से बचाने के लिए अपने आप को छुप जाते हैं. चलिए नेक्स्ट है आपका या स्लॉथ. आपको ये देखना है, जो ग्रीन ग्रीन का किया हुआ है सारा पढ़ना है आपको, है ना. और ये देखिए, आपको ये एक पार्ट जो है इसका, वो इतना पार्ट जो है ना आपको 2 आवर्स को बताता है, ये है ना, ये इनका कितने देर जागते हैं सोते हैं. अगर इसका भी जो होता है एक पार्ट जो है इतना, ये 2 आवर्स का बताता है. तो आपको ऐसे ही हमें इनका बताना है कि गिवन हेयर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ द सम एनिमल्स बिलो ईच पिक्चर राइट फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप. तो इसका ये 2, 2 जा 4, तो इसका ये 4 आवर्स आ गया. इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 2 जा 18 आवर्स, लाइक दैट 2 आवर्स, और इसके यहाँ से 12 आवर्स. ये सारी चीज़ें स्लीप करते हैं, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, When do you see different animals? Do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. है ना? क्या आपको जब आप जानवरों को देखते हो तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं? तो ऐसे 10 क्वेश्चनों की आपको लिस्ट बनाना है. तो ये 3 क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बना दी है. अदर्स क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, जस्ट यू मेक योर 7 क्वेश्चन. वन इज कैन दे अंडरस्टैंड और लैंग्वेज, क्या वो हमारी भाषा समझ सकते हैं. हाउ डू दे ईट, वो कैसे खाते हैं. और 3, हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त कैसे बनाते हैं, ठीक है ना. इसके बाद हम ये चित्र देख रहे हैं, दिस इज अ टाइगर. हम इसके बारे में समझ रहे हैं, टाइगर के बारे में क्या है. अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस ह्यूमंस. ये बात जानना जरूरी है, 6 गुना अधिक हमसे अच्छा वो देख सकता है. नाउ नंबर 2, द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस दे मूवमेंट्स आर वाइब्रेशंस इन एयर. दे हेल्प द टाइगर्स मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. नंबर 3, A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out of difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. Oho, the ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around. 3. Now this one is 4. No. Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. ये देख लीजिए, 3 किलोमीटर तक आवाज़ सुनी जा सकती है. और नंबर 5, इस टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, यूरिन से मार्क करते हैं. अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया. यानी कि एक शेर दूसरे शेर के एरिया का पता उसके यूरिन से पता कर सकता है, ठीक है ना, जिससे उनको पता कर लेता है और वो उसके दूसरे के एरिया में जाता भी नहीं है. तो हमने इंटरेस्टिंग थिंग हमने जानी. और नाउ अगला हम यहाँ देखते हैं, द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल
एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। ठीक है ना, तो ये आ गया नंबर वन। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? आप क्या सोचते हो कि जंगल में टाइगर को खतरा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, है ना? तो ये आपको देखना है। और ये सारी चीज़ें आज रियली जो टाइगर्स जो है ना वो खतरे में तो हैं आज, तो इसको हमें देखना है, आपको सोचना कर बताना है कि वो क्यों खतरे में हैं। और नेक्स्ट है ये, कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ? है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये यहाँ पर हैं, हमें दिख रही हैं। तो डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड ऑन देयर पार्ट्स आर सोल्ड, उनके वो बेचे जाते हैं, उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, उनकी सूंड के लिए, है ना। राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न, राइनोसोर उसके सींगों के लिए, है ना। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नैक्स, तो ये जो ग्रीन क्या है ना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फाइंड आउट नाउ नेक्स्ट है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क। ये आपको जो ग्रीन जितना मैंने किया हुआ है ना, ये ग्रीन जितना किया हुआ है आपको ये पढ़ना है, है ना, आपको ये पढ़ना है। आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है जो लिखा था, व्हाट डू यू थिंक, है ना, ये वाली बात आप क्लियर हुई कि नहीं हुई है कि व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल, है ना। तो उनके लिए खतरा है ना, उनके लिए टाइगर्स के लिए खतरा है, क्योंकि हंटर्स एंड पोचर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट्स फॉर टाइगर्स। दे किल टाइगर्स फॉर स्किन, लायंस मोर पावरफुल देन टाइगर एंड कैन बी अ डेंजर फॉर टाइगर, है ना। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज अनदर मेजर डेंजर फॉर टाइगर। ये सारी चीज़ें उनके लिए है, है ना। और इसमें लिखा हुआ है अगला है, कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी ए थ्रेट टू बी एनिमल्स और हाउ? यस ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग किल्स एनिमल्स फॉर हाइड एंड अदर बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स आर किल फॉर दियर टस्क, हमने भी जो पढ़ा है, है ना। राइनोसोर आर किल फॉर दियर हॉर्न्स, वो उनके सींगों के लिए मारा जाता है। स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल फॉर दियर स्किन, सांप को उनकी स्किन के लिए। इंक्रीजेज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन फॉर फॉरेस्ट, दिस हैज रिड्यूस द नेचुरल हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको ग्रीन आपको पढ़ना है। और आपको ये जो क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट करना है आपको, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इसमें लिखा हुआ है, मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये घाना, ये मैंने सब किया हुआ है। तो आपको इसका पहले का आंसर जो हो जाएगा, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सेकंड काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, और नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर में है, और पलामू नेशनल पार्क आपका झारखंड में है, और राजस्थान में एक सारिस्का भी है, है ना, और एक कर्नाटका में एक बंडीपुर करके भी है जो कि तमिलनाडु के जस्ट बॉर्डर पे पड़ता है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। ये क्वेश्चन भी बचा हुआ है यहाँ पे, व्हाट वी हैव लर्न्ड, आपने क्या सीखा। तो क्वेश्चन है, हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड्स ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। आपने देखा है कि कभी कभी जो सिंगर्स होते हैं वो अपने दोनों हाथों को या अपने कान पे ले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यस, वी हैव नोटिस
singers putting their hand on their ear while singing. They do this to minimize noise. वो उनकी जो शोर होता है उसको minimize करने के लिए करते हैं ना. They also do this to hear their own voice more clearly. वो उनकी आवाज़ को अच्छे से सुनना चाहते हैं, ठीक है ना. तो हो गया. अब गिव एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट हियरिंग और स्मेल, है ना. तो आपको ये बताना है कि हमको एग्जाम्पल देना है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ क्या क्या होता है. जैसे कि सम एनिमल्स बिहेव इन स्ट्रेंज मैनर इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमिटी विच इज़ अबाउट टू हैपन. टू, नंबर टू, अ मॉस्किटो कैन फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाई स्मेलिंग हिज बॉडी ऑडर. थ्री, अ डॉग कैन हियर द फाइंटेस्ट साउंड ऑफ समवंस फुटस्टेप्स. फोर, एन ईगल कैन सी इट्स स्मेल प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई. और नंबर फाइव, अ पॉलिश डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोसिव्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई ह्यूमन बींग्स. यानी कि वो जिसे इंसान डिटेक्ट नहीं कर पाते उनको पॉलिश डॉग वो उसको डिटेक्ट कर लेता है. तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच.